अब बारी आती है कीमे की कढ़ी। नाम नहीं सुना आपने पहले? खैर घबराइए नहीं, आज के बाद आप इसको बना सकेंगे आराम से, आसान से। इतनी बढ़िया डिश, और ऐसी डिशेस इस कार्यक्रम में हम हमेशा नहीं बनाते। थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी मेहनत वाली है, लेकिन है बहुत टेस्टी। कढ़ी है, उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम कीमे को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मटन का कीमा लिया हुआ है, और इसके लिए इसमें कुछ पहले मसाले डालने पड़ेंगे हमें। थोड़ा जीरा भून लेते हैं हम, और इसके साथ धनिया, इसमें सूखी लाल मिर्च, इन सब चीजों को हमने भूनना है और इसे पीसना है। जब तक ये जीरा, धनिया और लाल मिर्च थोड़ा भूनते हैं, ये कीमे को मैं इसके अंदर डाल देता हूं, और इसके साथ इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया। अब ये तीनों चीजें भून चुकी हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इसे हम क्रश कर लेते हैं। सूखी लाल मिर्च, धनिया और जीरा, और इस रफली कूट कर इसके अंदर हम डालेंगे। इन सब चीजों को हम पीस लेते हैं। ये जो कीमा है ये तैयार हो चुका है। खैर कीमे को रहने देते हैं, तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं। एक पैन हम गरम होने के लिए रख देते हैं, और ये कढ़ी की तैयारी हम करेंगे। एक बड़े बर्तन में बेसन ले लेते हैं, और इसके साथ इसमें मिक्स करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इसके साथ इसमें थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी डालें, इसे भी मिक्स कर लें, और अब इसके अंदर डालें छाछ यानी दही। दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, उसके अंदर आप पानी मिलाकर इसको अच्छी तरह से फेंट लें, और उसके बाद इसके अंदर डालें। अब इसे हमने मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स रहें, गांठे ना बने। ये जो कढ़ी है, जैसे हम साधारण रूप से कढ़ी बनाते हैं, वैसे तो ये काफी रिच भी बन जा सकती है। इसी के अंदर थोड़ा सा काजू का पेस्ट डालता है, लेकिन वो मैं नहीं डाल रहा हूं। इसे हमने मिक्स कर लिया है, और इसे अभी थोड़ा और पतला करना है हमने। इसमें पानी डाले। ये जो कढ़ी है अभी काफी पतली है, क्योंकि ये पकी नहीं है। आप देखेंगे जैसे जैसे पके कैसे गाढ़ी होगी। अभी ये काफी पतली रखनी है। अब ये जो पैन है ये गर्म हो चुका है, इसमें आप डालें घी, और इसमें डालें चुटकी भर हींग, इसके साथ कुछ सूखी लाल मिर्चें तोड़कर, ताकि इसमें अच्छा लाल रंग आए, ये देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे पंचफोड़न, और अब इसके अंदर डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रहा हूं, क्योंकि इसमें मिर्चें काफी हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाला है, और ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से मिल जाए। थोड़ा सा पानी इसके लिए। आपने देखा इसके अंदर ये जो हम कढ़ी का मिक्सचर बनाया था, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली थी, और ये सूखी हुई लाल मिर्चें इसमें डाली हैं, लेकिन ये जो मिर्चों का सिलसिला है अभी खत्म नहीं हुआ। हरी मिर्च कुटी हुई, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये कच्चा प्याज है जिसकी हमने पेस्ट बनाई है, और इसे भी हमने तेज आंच पर भूनना है। इस कीमे की कढ़ी के लिए ये जो कीमा है इसको हम दो तरीके से पका सकते हैं। या तो इसको हम शैलो फ्राई कर सकते हैं, उस केस में इसमें थोड़ा भुना हुआ बेसन आप मिलाकर इसको शैलो फ्राई करें और फिर उसका बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इसके मैं आपको कोफ्ते बना के बताऊंगा। आप हाथ में थोड़ा पानी ले लें और इसके कोफ्ते बना लें। आप चाहे तो इस तरह से गोल या थोड़े से लंबे, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब ये जो मसाला है ये भून चुका है,
के अंदर हम पानी डालेंगे और अब ये जो कोफ्ते हैं कीमे आप इसके अंदर डालें। इसी पानी के अंदर ये पक जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं, हमने इसे पकाना है। इसे हम इसके अंदर इसलिए पका रहे हैं ताकि जो मटन का टेस्ट है वो पूरा इसके अंदर आ जाए। ये जो स्टॉक है इसमें पूरा मटन का टेस्ट आएगा और जो कड़ी बनेगी वो भी इसी के अंदर ही बनेगी। अब ये जो कोफ्ते हैं ये पक रहे हैं, इसके ऊपर हम ढक्कन लगा दें और ढक्कन लगाकर इसको करीब 15 मिनट तक इसी तरह से पकने दें मीडियम हीट के ऊपर। 15 मिनट में ये काफी कुछ पक जाएंगे, लेकिन ये जो कड़ी का हमने मसाला मिक्सचर बना के रखा हुआ है ये भी इसमें ही डालना है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये पक रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर हरा धनिया है मेरे पास। ये जो रेसिपी है इसके अंदर हरा धनिया खूब डलता है। फ्रेश धनिया ले लें आप और इसे हम काट लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कीमे की। अब ये जो कड़ी का मिक्सचर है इसके अंदर अब हम डालेंगे। आप देख रहे हैं इसे भी हमने काफी पतला रखा है, वो इसलिए ताकि हम चाहते हैं जो कोफ्ते हैं पूरी तरह से पक जाएं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे तेज आंच पर हमने उबलने देना है ताकि ये अच्छी तरह से उबलता रहे और कीमे में जो थोड़ी सी कसर रहती है वो पूरी हो जाए और कीमे के अंदर दही का टेस्ट जाना चाहिए और ये जो कोफ्ते हैं एकदम मुलायम हो जाने चाहिए, सॉफ्ट हो जाने चाहिए। आप चाहें तो इसको धीमी आंच पर भी काफी देर तक पका सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले तो इसको तेज आंच पर आप उबलने दें। ये जो कड़ी है उबलनी शुरू हो गई है। अब इसके अंदर हम ये धनिया डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये धनिया की जो मात्रा है काफी ज्यादा है, लेकिन अभी भी जो इस कड़ी की कंसिस्टेंसी है वो काफी पतली है, इसे काफी ड्राई करना है हमने, तो इसको करीब 15 से 20 मिनट तक आप पकाते रहें। तब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी गाढ़ी हो जाएगी और ये जो कीमे के कोफ्ते अंदर हैं वो भी पूरी तरह से गल जाएंगे। ऐसा ही हमें चाहिए। इस कीमे की कड़ी को आप चाहें तो काबुली के साथ खा सकते हैं, नहीं तो स्टीम राइस, पराठा, रोटी या पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। कीमे की कड़ी शायद आपने पहले ना खाई हो, यदि खाई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाई है तो बना के देखें, बहुत महंगा। वैसे तो हम नॉन वेजिटेरियन चीजें बहुत बनाते हैं लेकिन इस तरह से कम बनाते हैं, ऐसे भी कभी कभी बनाएं। शुरुआत करें महीने में कभी एक संडे को। खैर, जब भी आप बनाएं हमारा कार्यक्रम देखना ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए कड़ी के लिए 30 ग्राम बेसन, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 600 मिलीलीटर छाछ, एक बड़ा चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच हींग, तीन सूखी लाल मिर्चें, एक छोटा चम्मच पंचफोरन, तीन चौथाई छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, तीन चौथाई छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, तीन हरी मिर्चें पिसी हुई, दो बड़े चम्मच प्याज की पेस्ट, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। कबाब के लिए 250 ग्राम कीमा, दो छोटे चम्मच सूखा धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, तीन सूखी लाल मिर्चें, तीन बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया और नमक स्वादानुसार। इसके लिए आप एक पैन में जीरा, धनिया और सूखी लाल मिर्चों को भून लें और इसे पीस लें और कीमे को मिक्सी के अंदर डाल लें और इसके अंदर नमक, बारीक कटा हरा धनिया और कुटा मसाला डालकर इसे पीस लें और इसे निकालकर मिक्सर के हाथ पर पानी लगाकर कोफ्ते बना लें। कड़ी के लिए आप बेसन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर का मिलाएं। इसके बाद इसमें छाछ और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक पैन में घी लेकर इसमें हींग, सूखी लाल मिर्चें और पंचफोरन डालकर भून लें। अब इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर पकाएं। इसके बाद इसमें कुटी हरी मिर्चें और प्याज की पेस्ट डालकर तेज पर भूनें। इसके बाद इसमें पानी और कीमे के कोफ्ते डालकर इसे ढक्कन लगाकर करीब 15 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर बेसन के मिक्सचर को डालकर इसे उबाल लें और जब कोफ्ते पक जाएं तब इसके अंदर बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और सर्व करें।